वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, निमृत कौर आलूवालिया और प्रियंका चाहर चौधरी के बीच में एक बहुत अजीब सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर लड़ाई होती हुई नजर आई। पीठ पीछे निमृत कौर आलूवालिया सवाल उठा रही थी प्रियंका की पढ़ाई पर, और ऐसे में सोशल मीडिया पर निमृत को सस्ती लॉयर कहकर जमकर ट्रोल करने लगे फैंस। लेकिन अब निमृत के सपोर्ट में खड़े हुए हैं हाल ही में बिग बॉस से बाहर आए साजिद खान। जी हाँ दोस्तों, साजिद खान ने प्रियंका के खिलाफ कुछ ऐसा बोला जिसके लिए उन्हें निमृत का सपोर्ट करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा क्या बोल दिया है साजिद खान ने जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़े हुए हैं? क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, आपको बता दें बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर कैप्टनसी टास्क के दौरान प्रियंका और निमृत के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई हो गई। लेकिन पीठ पीछे निमृत और सौंदर्या प्रियंका चाहर चौधरी और टीना दत्ता की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। ऐसे में निमृत बोलती है कि मुझे जहां तक पता है टीना 4 साल की उम्र से ही एक्टिंग कर रही है और प्रियंका की पढ़ाई भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे जो निमृत है उसने कई और बातें भी बोली और उनका ये क्लिप सोशल मीडिया पर फैंस जमकर वायरल कर रहे हैं और बोल रहे हैं सस्ती लॉयर निमृत कौर आलूवालिया। ऐसे में हाल ही में साजिद खान को जब मीडिया ने स्पॉट किया और उनसे निमृत और प्रियंका की लड़ाई के बीच में सवाल किए, तब साजिद खान ने ये बयान दिया कि लॉयर कोई भी सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, लॉयर लॉयर होता है और उसकी पढ़ाई कठिन होती है चाहे वो लॉयर सस्ता निकले या फिर महंगा। दोस्तों, यहाँ पे साजिद ने प्रियंका की बुराई तो नहीं की, लेकिन प्रियंका के खिलाफ निमृत का साथ देने पर हो सकता है साजिद खान को अंजाम भुगतना पड़े। वेल, आप साजिद खान की बात से एग्री करते हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।